हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और नशा मुक्ति तज्ञ हूं। वैसे ही एनएलपी ट्रेनर और कोच हूं। मैं बताने वाला हूं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड का बर्निंग डिजायर। जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। हर एक को, मतलब कॉन्शियस माइंड में हर एक को जीत चाहिए, हर एक को सफलता चाहिए। कॉन्शियसली हर आदमी बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मगर एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में उसके बर्निंग डिजायर डीप रूटेड है कि नहीं है, वो महत्व का है। अब बर्निंग डिजायर मतलब क्या है? एक व्यक्ति था, उसको ऐसा मालूम पड़ा कि भाई एक गुरु है, वो 2000 किलोमीटर दूर रहता है उसके गांव से, नदी किनारे आश्रम में, और वो तीर कमान बहुत ही अच्छा सिखाता है। तो इसने सोचा, ये व्यक्ति ने, कि भाई वो गुरु के पास में हम ये धनुर्विद्या सीखने के लिए जाएंगे और वहां उसमें महारत हासिल करेंगे। तो इसलिए वो महारत हासिल करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर अपना घरदार छोड़ के, सब छोड़ के उसके पास में गया। फिर कितना भी दिन लगेगा तो मैं वहां जाके रहूंगा और मैं वहां महारत हासिल करूंगा धनुर्विद्या में, तीर कमान में। वो वहां वो गुरु के पास में गया, उसने बोला कि मैं आपसे सीखना चाहता हूं और मुझे मास्टरी चाहिए, इसमें महारत चाहिए, हासिल करना है मुझे और तीर कमान धनुर्विद्या सीखने की है। बोले मैं, वो गुरु ने बोला कि मैं काय पर से समझू कि तू सच्ची, तेरी इच्छा है? मैं बोला सच्ची इच्छा है मेरी, इसलिए तो मैं इतनी दूर आया हूं। मैं घरदार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के मैं अभी आ रहा हूं यहां, और अभी आप जितने दिन बोलेंगे उतने दिन रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, मेरी इच्छा है करके तो मैं आ गया। तो लगे ठीक है, वो समझ में आया। तो ऐसा कर, अपन बात करते करते वो उनको नदी के तरफ लेके गया। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, वो बाजू में चल रहा है और दोनों बातें करते 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 उसको पूछ रहा है गुरु कि और तेरी क्या इच्छा है, और तेरी और क्या क्या तेरे को सीखना है, तू कहाँ से आया, ऐसी बात करते करते अंदर उसको नदी में लेके गया। नदी का पानी घुटने तक आ गया और अंदर गए, यहां तक आ गया, पेट तक आ गया, सीने तक आ गया। जैसा यहां तक पानी आ गया, दोनों यहां तक पानी में अंदर गए, वो गुरु ने उसके बाल पकड़े और उसको जोर से नीचे दबा दिया पानी में। जैसे उसको पानी में दबा दिया, वो तड़फड़ 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 कर रहा है एक सांस के लिए, और उसको लग रहा था कि अभी मर जाऊंगा, पता नहीं ये गुरु मतलब है कौन है क्या है। उसको कोई सोचना नहीं था, कुछ नहीं था, उसको अगर अपन मर जाएंगे तब तक। उसने, गुरु ने उसको बाहर निकाला। फिर जैसे ही बाहर निकाला तो उसने पहले एक सांस लिया जोर से, फिर वो बाहर आया। उसने पूछा, गुरु आप क्या कर रहे थे? मैं तो आपके पास में धनुर्विद्या सीखने के लिए आया, आप तो मेरे को मारने लगे, मैं तो मर जाता था अभी। बोले मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। जब अपन अंदर आए और जब मैंने तेरा सिर पानी में डुबा दिया, तो उस समय आपको चाहिए क्या था? एक चीज ऐसी कौन सी चाहिए थी आपको कि जो यदि ना मिलती तो आप मर जाते थे? बोले मुझे एक चीज ऐसी चाहिए थी कि एक सांस मुझे होना चाहिए, और यदि वो नहीं मिलता तो मैं मर जाता था। बस बोले, यदि तुमको ये इच्छा है कि धनुर्विद्या मेरे को सीखने का है, तो वो एक सांस को जितना महत्व है, जितनी महत्व की एक सांस है, उतनी महत्व की धनुर्विद्या सीखना मेरे को महत्व का है। ऐसा जब तेरे में होगा तब आ जाना यहाँ, बाकी मुझे कारण मत देना कि मुझे इसलिए आया, मैं बीवी बच्चे छोड़ के आया इसलिए मेरी डिजायर है, पैसा नहीं है तो बीवी आया इसलिए मेरी डिजायर है, 2000 किलोमीटर छोड़ के मतलब दूर आया इसलिए मेरी डिजायर है। वो डिजायर है वो मेरे को मत बताना। जब तेरी इतनी डिजायर हो जाएंगी कि एक सांस लेना जितना महत्व का है, उतना तेरे को ये सफलता पाना इसमें महत्व का है, तो मेरे पास में आ जाना। होता क्या है कि हम फोकस नहीं रहते, उतनी बर्निंग डिजायर नहीं रहती, विचलित होते रहते हैं और उसमें प्रॉब्लम आता है। कल्पना करो कि आपके घर में, भगवान करे ऐसा ना हो, मतलब आपके घर में कोई एकदम सीरियस बीमार हो चुका है, उसको अटैक आया समझो, हार्ट अटैक, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि भाई एक दवाई लाना है और ये दवाई 1500 रुपये की मिलती है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर केमिस्ट शॉप है, वहाँ से लाना मतलब लानी पड़ेगी ये दवाई, तो आपको जल्दी जाना है और आप आधे घंटे में आते हैं तो ही जान बच जाएंगी, नहीं तो मर जाएगा पेशेंट। तो आपने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली, 2000 रुपये लिए नोट, और वो नोट लेके आप दौड़ रहे कहाँ, 10 किलोमीटर दूर वो शॉप में जहाँ ये दवाई मिलती है, वो इंजेक्शन मिलता है। अब वहाँ से निकलने के बाद में, घर से निकल रहे आप और आपको बहुत भूख लगी है और सामने एक होटल है जहाँ गरम गरम आलू वड़ा और समोसा है, तो
तो क्या आपको खाने की इच्छा होगी मैं समोसा खा लूं बहुत भूख लगी है तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने दिमाग में हुआ कि वहां शॉप में जाना और दवाई लाना, समोसा नहीं आलू बुंडा नहीं कुछ नहीं होना भाई, मेरे को वहां जाने का है। समझो वहां आप और आगे जाते हैं और अमिताभ बच्चन का रोड शो चालू है समझो कोई कारण के लिए, क्या आप वहां रुके देखेंगे अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में यह है कि वहां जाना और दवाई लाना। आप आगे जा रहे, कोई ऑटो वाले ने आपके बाइक को धड़क दे दिया, वो चिल्ला रहा ऑटो वाला, बोलता मेरे को 200 रुपये होना है, मेरा नुकसान हो गया, क्या आप झगड़ेंगे कि मैं दूंगा नहीं, गलती किसकी है? आप बोलेंगे भैया 200 रुपये ले ले मुझे जाने दे, आप और फटाफट निकल जाएंगे। वो दवाई वाले के पास में जाएंगे, वो बोलता है कि 1500 रुपये की दवाई है, 2000 की नोट आप उसको दे रहे, मेरे पास में चेंज नहीं है। तो क्या आप ढूंढेंगे कि मेरे को चेंज होना और मेरे को 500 रुपये? बिल्कुल नहीं, तो 2000 रुपये रख ले, मेरे को दवाई दे दे, मेरे को दवाई लेके वापस जाना है और वो जान बचाने की। इतना फोकस आप रहते हैं, और जब इतना फोकस आप रहते हैं तो डेफिनेटली जान तो बचेंगी, मगर वो काम आपको मतलब आपका सक्सेसफुल होगा। तो कोई भी काम है यदि आप इतना फोकस है तो आपको सफलता मिलनी है, सक्सेसफुल होना ही आपने, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे चित्त विचलित करने वाले बहुत सारे इंटरप्शंस डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं और वहां हम चले जाते हैं। कॉमन इंटरेक्शन मतलब कॉमन इंटरप्शन क्या होता है? व्हाट्सएप, मोबाइल्स, फेसबुक, यूट्यूब्स, व्हाट्सएप के टक 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 मैसेज आते हैं, SMS आते रहते हैं और अपन उधर डिस्टर्ब होते रहते हैं, कोई आते रहता है, किसका फोन आते रहता है, हमारा फोकस ही नहीं रहता। तो फोकस यदि हम रहते हैं तो होगा। शिवाजी महाराज के जमाने में ये बोलते थे कि वो जब अपने मावे लेके जाते थे कोई भी किले के ऊपर, तो किले के ऊपर सब मावों को उतार दिया ऊपर जाके, तो पीछे के जो डोर है मतलब रस्सी जो है वो काट डालते थे। वो काट इसलिए डालते थे कि भाई अभी आपको मारना है या मरना है, और वो लड़ाई वो जीत जाते थे, क्योंकि यदि वो पीछे की जो रस्सी है और जो रोप है वो यदि काट नहीं दिया तो हो सकता है कि ये जो अपने मिलिट्री है वो यदि शत्रु ने यदि बहुत ज्यादा मारा किया तो भाग जाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। अभी नीचे उतरने के जो दौर है वो काट दिए, रस्सी काट दी है, तभी उनको मारो या मरो इतना फाइनल वहां करने का है। तो जब आपके मन में आपके थिंकिंग में इतना बर्निंग डिजायर जब रहता है कि नहीं हमको तो वो सफलता चाहिए नो मैटर व्हाट, तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये सफलता का राज, और वो सबकॉन्शियस माइंड में यदि आपने वो बिलीफ पक्का बैठा दिया कि मेरे को सफलता चाहिए कोई भी हालत में, और सबकॉन्शियस माइंड में वो उसका प्रोग्रामिंग कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको चुप नहीं बैठने देगा, सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक्शन करवा के लेगा, आप ऑटोमेटिकली एक्शन करते रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो वो बिलीफ कि मैं डिटरमाइंड हूं, मैं वचनबद्ध हूं, वचनबद्धता है, नो मैटर व्हाट मुझे सफलता हासिल करनी है और मैं जीत के ही रहूंगा, सफलता मिलेगी नो मैटर व्हाट, ये सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बैठ गया तो जीत आपके एकदम पैर छूलेगी। तो जो जो लोग जूझ रहे हैं इसके लिए सफलता के लिए, उनको ये जरूर वीडियो शेयर करो। आपके पास में आजू बाजू में आपके मित्र लोग जो होंगे जिनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको आना होगा ये वीडियो कि भाई अपने को सफलता क्यों नहीं मिलती है, उतना डिटर्मिनेशन डेडिकेशन अपना है क्या? आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर हिट करो, ताकि हर हफ्ते मैं वीडियो डालता हूँ आपको नए वीडियो आते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।